हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलीशियस कुकिंग। शायद सभी लोगों को एक करी बहुत पसंद है, इसीलिए आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल में कैसे घर पर आसानी से कम समय में कम इंग्रेडिएंट से बनता है रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी। पहले मैंने एक पतीला में पानी लिया, अंडे को पानी में डाल दिया और थोड़ा सा नमक ऐड करके गैस पर चढ़ा दिया अंडा बॉईल होने के लिए। बॉईल होने के बाद अंडे को थोड़ा थोड़ा कट लगा देना है, नहीं तो गरम तेल में फटने लगेगा। अभी अंडे में कश्मीरी मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी ऐड कर दिया। अब एक कटोरी लिया, वहाँ पर जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर और गरम मसाला लेकर थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और अंडे को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अभी मैंने गैस में कढ़ाई छोड़ दिया और ऊपर से सरसों का तेल ऐड कर दिया। तेल गर्म होने के बाद अंडे को डाल दूंगी। अब अंडे को अच्छे से फ्राई कर लूंगी। अगर मेरे चैनल पे आप नए लोग देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अब बची हुई तेल में बारीक कटी हुई प्याज को डाल दूंगी। प्याज थोड़ा सा फ्राई होने के बाद टमेटो प्यूरी भी ऐड कर दूंगी और प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अभी मैंने कटी हुई हरी मिर्च यहाँ पर डाल दिया और उसके बाद थोड़ा सा नमक और हल्दी ऐड कर दिया। हल्दी और नमक देकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद पहले से जो मैंने मसाले तैयार करके रख दिया था वो मसाले भी यहाँ पर डाल दूँगी। मसाले के साथ अच्छे से टमेटो और प्याज को मिक्स करके थोड़ा सा पानी ऐड करके चम्मच से चलाते हुए 2 to 3 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके पकाऊंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चाहने वालों को शेयर भी कर दीजिए जो ऐसी यूनिक यूनिक रेसिपी खाने का शौकीन है। अभी मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। पेस्ट डाल के अच्छे से मिक्स करके थोड़े देर के लिए ग्रेवी को पका लूँगी। ये देखिए, ग्रेवी अच्छे से पक गया है और अच्छे से गाढ़ा भी हो गया है। मुझे यही गाढ़ापन चाहिए था। अब एक एक करके अंडे को ग्रेवी में डाल दूंगी। ये रेसिपी बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस होता है। आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, ये रेसिपी बनाकर खाइए, बहुत अच्छा लगता है। अब 2 to 3 मिनट्स के लिए पकाऊंगी ढक्कन बंद करके ग्रेवी को अंडे के अंदर तक जाने के लिए। अब ऊपर से थोड़ा सा कटी हुई धनिया पत्ता भी ऐड कर दूंगी अच्छा सा स्मेल आने के लिए और गैस का स्विच ऑफ कर दूंगी और ऊपर से ढक्कन बंद कर दूंगी धनिया पत्ता की स्मेल अच्छे से आने के लिए। फाइनली हो गया हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल अंडा करी। ये रेसिपी आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और हाँ, मुझे कमेंट करना मत भूलिए कैसी लगी मेरी रेसिपी। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ये रेसिपी आप लोग बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट कीजिए।